उस विश्वामित्र की भूमि बक्सर, बक्सर का जिला और बक्सर लोकसभा क्षेत्र, उसका एक छोटा सा गांव ढकाई, छोटा गांव लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गांव, क्योंकि यहां डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था यहां के किसानों को जागृत करने के लिए, यहां के गांव में रहने वाले दबे कुचले पिछड़े लोगों को जागृत करने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर, लोकसभा चुनाव के अवसर पर हम यहाँ के मतदाताओं के बीच आए हैं इनका विचार जानने के लिए कि ये मतदान करते हैं तो किसी भावना के बस में करते हैं या कोई किसी के बहकावे में करते हैं या लालच के बस पर करते हैं या इनका अपना विचार भी है। आइए हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के जागरूक मतदाताओं से बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है तो इस पर नरेंद्र मोदी जी को मैं 75 नंबर दूंगा 100 में, क्योंकि खेतों के हर खेत को पानी उनका नारा था, जो अभी कार्य चल रहा है इलेक्ट्रिक का, हर मतलब हर ट्यूबवेल पर बिजली पहुंचाई जा रही है, अभी कार्य प्रगति पर है, हो रहा है, पूर्णतः तो नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है, हो रहा है काम हो रहा है। लोकतंत्र में सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों होता है। हाँ, होता है कि चौकीदार चोर है, ये गलत बात है। जो गलत बात है कि देखिए, अभी तक जितना नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं जानता हूँ, 15 साल या कितना 14 साल रहे होंगे मुख्यमंत्री गुजरात का, इतने दिनों में देखिए कितना पैसा आ गया लालू यादव के पास, कितना पैसा आ गया मुलायम यादव के पास, अरबों खरबों की संपत्ति है, और उनकी बूढ़ी माँ जो है उसी घर में रह रही है जो पुश्तैनी घर है, अपने लिए कुछ नहीं किए, परिवार के लिए कुछ नहीं किए, तो कैसे मतदाता के तौर पर आप जो सामने तथ्य है, हाँ, पड़ोस पर निर्णय करेंगे? हाँ, एकदम निर्णय करेंगे जी। घर के या और समाज के सहयोग और सलाह से हम, आपका विचार नहीं होता है? हमारा अपना विचार, किसानी में रहते हैं रात दिन, किसी से पैक्ट नहीं है, किसी से कोई अच्छा, सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जो आए थे जी, सरकार भी प्रधानमंत्री हैं, 5 साल पहले आए थे जी, और लोग आए थे जी, बहुत वादे किए थे जी, तो नरेंद्र मोदी जो वादे किए उसमें कुछ पूरा हुआ भी क्या? नरेंद्र मोदी जी यथासंभव देश के सेवा में संलग्न है और हम लोग उनसे प्रभावित हैं जी। कैसे प्रभाव, क्या सेवा किया आपका? सेवा समाज सब उनके प्रभावित है, समाज से भी हम जुड़े हुए हैं, इसी से आप दे देंगे, लेकिन आकलन तो करना चाहिए, मतदाता मालिक हैं, मतदाता जरूर हैं। और हम नरेंद्र मोदी खास व्यक्तिगत तौर पर मुझको नहीं किया, लेकिन मेरी आत्मा जो है उनके सब ढांचा को देख करके और उन पर प्रभावित है। तो बताइए क्या काम किए हैं? काम किए हैं ये जब सड़क वगैरह, बिजली वगैरह और केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है, ये भले ही है, इसका श्रेय कोई और ले ले, लेकिन हम श्रेय इसका उन्हीं को देते हैं। देखिए, 5 वर्ष में जो किए बहुत अच्छा काम किए हैं, और इसमें मैं उनको 5 साल के लिए 80% दूंगा उनको, 80% दे देंगे, 80% और 5 वर्ष उनको हम लोग देंगे, और कि जो वादे जो मैंने पूरा नहीं किए हैं वो वादे मैंने पूरा करेंगे। क्यों वादा, कुछ काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में क्या? कौन क्षेत्र में? विदेश नीति के क्षेत्र में, कहते हैं लोग की लड़ाई लगा देंगे। देखिए, उनके रीजन में दो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आज पूरे देश उनके ऊपर गर्व कर रहा है। आप ही गर्व? एकदम गर्व करते हैं, चूंकि सीमा पर हम लोगों का भाई भतीजा है, उद्योगपति और नेता का लड़का नहीं जाता है भर्ती होने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा हाँ, तो राहुल जी कह रहे हैं, देखिए भैया, हम लोग पढ़े लिखे किसान हैं, यही 2014 में 13 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए थे, और उस संयुक्त राष्ट्र संघ के महाधिवेशन से एक दिन पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा था कि भारत से एक विधवा आई है और वह विधवा विलाप कर रही है। आज भी भारत की क्या स्थिति है नरेंद्र मोदी की, अभी मैं टीवी देख रहा था, कुछ तथाकथित नेता और पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि हिजबुल पर चुनाव के समय बैंड लगा, ऐसा क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं तथाकथित लोगों से कि क्या
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पर बैन लगाया है या संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगाया है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कांग्रेस से पूछ करके उस पर बैन लगाती या वह स्वतंत्र इकाई है जिसे विश्व मानता है? लाल बहादुर शास्त्री के बाद अटल बिहारी या मोदी जी छोड़ के दोसर के प्रधानमंत्री में पूछ रहे पूछ न जीरो रहे खसल रुटे पटा लू आवे लू अपन कमा धमा के जा विचार बज मोदी के फिर ना जिताव जाए हाँ हाँ हम वोट दे बने हमारे से जीत जाए तो जीतिए जी हैं हाँ दे मतदाता के तो फिर मैं जब भी मतदान मैं दूँ राष्ट्रहित को देख करके दो जी कांग्रेस भी तो राष्ट्रहित का बात कांग्रेस तो 55 वर्ष और करती रह गई और राष्ट्रहित क्या हुआ दुनिया देख लिया घोषणा पत्र देखे हैं क्या कांग्रेस का देखे हैं क्या है? बहुत बार हम भी देखे हमारे बाबा देखे हमारे पिताजी देखे और देखते देखते बूढ़े हो गए मर गए। वर्तमान में क्या है कुछ नहीं है उठो कोसला हुआ आना ही नहीं है जिसको नहीं आना वो कहता है कि दे देंगे ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे वो तो जानता है कि आना नहीं है मुझे एकदम जानता है वो स्वयं स्वयं किस चीज में उसका घोषणा पत्र ढकोसला है वो के आधार पर बात यह है कि मतलब जो ये गठबंधन है ये कुछ नहीं है। कौन गठबंधन? जो महागठबंधन है ये कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? ये लोग कुछ करते नहीं है ना। कैसे नहीं करते हैं? भारत जो एक सच्चा ईमानदार होता है उसके पीछे सब लोग मिल जाते हैं विपक्ष में वही हाल हाँ वो लोग ये हाल किए हैं सब लोग एकजुट हो गए हैं लेकिन वो कहते हैं संविधान संकट में है नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तो फिर चुनाव होने नहीं देंगे। संविधान संकट में तो लोग खुद डाल लेंगे आएंगे तो अपना अपना जेब भर लेंगे पॉकेट डाल लेंगे संविधान भाड़ में जाए कानून भाड़ में जाए अपना लोग काम करेंगे। एक कहने का क्या आधार है अभी आरोप लगा रहे हैं निराधार या कोई आधार भी है? सर ये पहले से लोग करते आ रहे हैं ना पूरा भारत जानता है कि सही इंसान कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई है क्या? कैसे नरेंद्र मोदी सही इंसान है? कैसे नहीं है? पूजा करने लगे पूजा नहीं सर देखिए सही काम कोई करता है तो इसमें पूजा करने में क्या हानि है? सही काम कोई करता है तो उसको हम वोट दे सकते हैं। क्या सही काम किए? क्या नहीं किया अभी तक 5 साल सर सुनिए सर कांग्रेस की सरकार थी 70 साल तक 70 साल में कांग्रेस ने ही हमारे भारत देश को लगभग 100 साल पीछे ले गया और नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हमारे भारत सरकार को 70 साल आगे ले कर आया। हर चीज़ देख लीजिए फैसिलिटीज़ देख लीजिए इंडिया को डिजिटलाइज़ कर दिया बिल्कुल कर दिया सर। आज के पहले बता तो रहे हैं अभी जैसे कि कहा हमारे भैया जी ने कि बिजली की व्यवस्था नहीं थी सर अभी 5 साल अभी हमारे गांव में 5 साल पहले बिजली आई थी उसके पहले भी थे पोल थे खंभे थे लेकिन बिजली नहीं थी अब है कंटिन्यूस रहती है लगभग 24 आवर्स में 20 आवर्स 22 आवर्स लाइट्स रहती है। नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? मैं ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी को क्यों वोट देंगे? देश का विकास कर रहे हैं इसलिए। क्या विकास? विकास कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बना दिए भारत को पूरे विश्व में भारत का चर्चा हो रहा है उन्हीं के चलते जी इसीलिए नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाएगा। क्या इस गांव में बिल्कुल छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग जागरूक हैं लोकतंत्र के अवसर पर? ऐसा लगता है महानगरों में बैठे हुए जो लोग हैं कि गांव के लोग कैसे करते होंगे तो गांव के लोग भी विचार करते हैं सोचते हैं तथ्य के आधार पर निर्णय लेते हैं बिल्कुल भावना में नहीं बह जाते। कृष्णकांत ढकाइस गाँव बक्सर।